दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल चैनल बाय BNY। एक और जहां पाकिस्तान यह कहती है कि बातचीत से भारत और पाकिस्तान का मामला को सुलझाया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर आज फिर पाकिस्तान की हवाई जहाज फिर हमारे वायु सीमा के अंदर में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन हमारे जो जवान हवाई जहाज से पेट्रोलिंग कर रहे थे उसने खदेड़ने का काम किया। भारत को उकसाने का प्रयास किया जा रहा है, भारत को उकसा कर अन्य देशों के बीच में बदनाम करने की प्रयास की जा रही है। आज हमारे एक जवान अभिनंदन कल जो सीमा के अंदर पाकिस्तानी सीमा के अंदर विमान क्रैश होने से जो पायलट गिरे थे उसकी पुष्टि हुई और वो अभी पाकिस्तान के सेना के कब्जे में है, उसे भारत लाने की प्रयास की जा रही है। क्योंकि नियम है कि जो युद्ध में सैनिक उस क्षेत्र में पकड़े जाते हैं उसे बाइज्जत वापस करना पड़ता है, लेकिन यहाँ युद्ध खत्म होने के बाद वापस की जाती है ऐसा संधि है, लेकिन युद्ध तो हुआ नहीं इसलिए बहुत जल्द उसे भेजने का प्रयास किया जाएगा। भारत हर दृष्टिकोण से लड़ने के लिए तैयार है, हर दृष्टिकोण पर नजर रखी हुई है, लेकिन पाकिस्तान अपने आदतों से बाज नहीं आने वाला, पाकिस्तान अपने छेछड़ई से बाज नहीं आने वाला। पाकिस्तान कई बार भारत से शिकस्त खाने के बाद भी आज पांचवी बार फिर लड़ने के लिए भारत को उकसाने का प्रयास कर रहा है। आज अभी सेना ने खदेड़ा जिस जहाज को वो हमारे सीमा के अंदर में घुसने का प्रयास कर रहा था। देखा जाए तो कल से ही छीटफूट घटनाएं हो रही है, गोलीबारी हो रहा है, जो सीमा पर लगे जवान हैं वो करारा जवाब दे रहे हैं, गोलीबारी पाकिस्तान की ओर से की जा रही है। यह हद है पाकिस्तान के बेशर्मी का कि एक ओर बात करते हैं कि बातचीत से सुलह कर लिया जाए, दूसरी ओर अपने सैनिकों से गोलीबारी करवाते हैं और सीमा में घुसने का प्रयास करते हैं। कल घुसे, दो भागे, एक विमान मारा गया F-16 जो मलवा भारत के अंदर में है, वो गच्छ नहीं रहे थे लेकिन मलवा है, फोटो जारी किया गया। आज फिर प्रयास किया गया अपने आदतों से लाचार पाकिस्तान भारत से बार बार पंगा लेकर भारत को तंग और तबाह करने का प्रयास करता है, भारत के शांति को भंग करने का प्रयास करता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय सारे देशों ने यह बात पर मुहर लगाई है कि आतंकवादी गतिविधि समाप्त होनी चाहिए, हाफिज सईद जैसे आतंकी को सरेंडर करना चाहिए। पाकिस्तान हर बार बात करने की बात करके पीछे से वार करने के लिए धोखा करने में वह नहीं चूकते हैं। हमारे देश के पायलट अभी अभिनंदन पाकिस्तान में हैं, जिसे वापस करना है बाइज्जत। अगर वापस नहीं की जाएगी और अगर किसी तरह का उसके साथ छेड़खानी की जाएगी तो संधि का उल्लंघन माना जाएगा। भारत सरकार अपने हर स्तर से हर तरह का प्रयास कर रही है। अपने सीमा क्षेत्र में श्रीनगर के आसपास कुछ स्कूलें बंद की गई है, एहतियात के रूप में प्रयास किया जा रहा है कि पायलट वापस आवे। भारत के जवानों की वीरता की गाथा आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबों को इस पर कमेंट करें और आप लिखें कि भारत सरकार सही कर रही है नहीं कर रही है, हमारे सैनिक वहां हैं, उसे वापस आना चाहिए, अविलंब वापस आना चाहिए, और आप इस दृष्टिकोण पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट से आप लिखें, और हमारे जवानों के हौसला बढ़ाए रखने के लिए बुलंद आवाज रखें जिससे हमारे जवान सफल हो। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।